हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको शालोम। और प्रभु की मर्जी इस वचन के द्वारा आज आपके जीवन में पूरी हो, क्योंकि जिस वचन के साथ आज की शाम हम आपके साथ हैं, लिखा है परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। यदि हम बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 को देखें और वर्स नंबर 16 को देखें, वहाँ लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। हालेलुया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, ताकि तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। तुमने मुझे नहीं चुना है वरन मैंने तुम्हें चुना है, वरन मैंने तुम्हें बुलाया है। प्रभु ने आपको चुना है, उसने आपको ठहराया हुआ है। यू आर चूजन वन। आप अपने बुलाए जाने को परख जानो, आपको अपने बुलाए जाने को समझना है। मुझे बुलाया गया है, मुझे चुना गया है, मुझे अलग किया गया है। क्योंकि हमने वचन में जब यमुना 15:16 को हमने देखा, वहां लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना। डोंट थिंक आप अपने आप पर नहीं, परमेश्वर पर घमंड करें कि प्रभु ने आपको चुना है। आपने प्रभु को नहीं चुना है, प्रभु ने आपको चुना है और उसने आपको बुलाया हुआ है। उसने आपको अपनी कॉलिंग के लिए, अपने राज्य के लिए ठहराया हुआ है। जब उसने आपको बुलाया हुआ है, जस्ट डू इट, उसके कार्य को करो और बहुत फल लाओ। क्योंकि तुम मेरे नाम से, गुरु कहते हैं कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। हालेलुया, अब जो कुछ आप प्रभु यीशु के नाम से पिता से मांगेंगे वो देगा, क्योंकि उसका वायदा है कि वो देगा। और वो कह रहा है कि तुम जाकर बहुत फल लाओगे। आप फल को मैच्योर करने वाले हैं, तुम जाकर बहुत फल लाओगे उन लोगों को, उन भटके हुए लोगों को, क्योंकि यू आर अनॉइंटेड एंड अपॉइंटेड फॉर हिज ग्लोरी एंड फॉर हिज किंगडम। आपको चुना गया है, आपको ठहराया गया है, आपको बुलाया गया है। उसने आपको बुलाया है परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। आप परमेश्वर का चुना हुए और अपने चुने जाने को जाने, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको चुना और चुनकर उसने बुलाया है। उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है, वरन मैंने तुम्हें क्या किया कि मैंने तुम्हें चुनाया और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया, तुम्हारा फल बना रहे, आमीन, आपका फल बना रहे। क्योंकि जब आप उसमें और उसकी योजना में उसके कार्य को करते हैं, वो फल बना रहता है। मेरे अजीजों, अपने बुलाए जाने को समझो, क्योंकि प्रभु ने आपको चुनकर अलग किया है। आपने नहीं, उसने आपको चुना हुआ है, उसने आपको नाम लेकर बुलाया हुआ है, इसलिए कि जाकर बहुत फल लाओ और तुम्हारा फल तुम्हें बना ठहरा रहे। और अब जो कुछ आप पिता से मांगोगे वो आपको देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आशीष और बरकत आपके जीवन में होने पाए। खुदा बाप, इन सब सुनने वाले भाई और बहनों को इस वचन के द्वारा आशीषित कर, आप मसीह यीशु के नाम से, आमीन, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू।